1947 में आजाद होने के बाद आजादी के प्रारंभिक 17 वर्षों तक एक परिवार इस देश पर हावी होकर के इस देश की व्यवस्था का संचालन जिस ओर किया, मुझे लगता है कि वह शुरुआत अगर अच्छी होती तो संभवतः भारत भी दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में होता। और उस महाशक्ति के रूप में जो विगत 5 वर्ष के दौरान भारत ने दुनिया के अंदर प्राप्त किया है, मुझे लगता है कि आजादी के तत्काल बाद अगर इस प्रकार के प्रयास हुए होते तो 17 वर्ष का समय भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का एक बहुत स्वर्णिम कार्यकाल हो सकता था। लेकिन उस स्वर्णिम कार्यकाल का तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने कभी भी सदुपयोग नहीं किया। उस समय आजादी का जो एक उत्साह था, उस समय आजादी के बाद के तत्काल उत्साह, भारत के नव निर्माण के प्रति आम जन के मन में जो भाव थे, अगर उन भावों को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ होता तो संभवतः भारत भी दुनिया की उन 3 बड़ी सामरिक ताकत के रूप में, आर्थिक महाताकत के रूप में भारत भी होता।